कंतारा मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी जारी है। मूवी के एक्टर पर भी केस दर्ज हो गया है। वहीं दूसरी ओर फिल्म रिलीज के बाद भी पूरे देश में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में भी एक इवेंट आयोजित कर कंतारा का प्रमोशन किया गया। इस प्रमोशनल इवेंट में ट्राइबल ब्यूटी क्वीन एंजल एलिना तिर्की शामिल हुई। मौके पर उन्होंने फिल्म की खूब तारीफ की। सबसे पहले तो मैं सबों को बोलूंगी नमस्ते जोहार। आई एम एंजल एलिना तिर्की, मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ, अ बडिंग एक्ट्रेस एंड वर्किंग विद द गवर्नमेंट सेक्टर। सो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी दैट हमारे रांची में इतने अच्छे अच्छे मूवीज़ रिलीज़ हो रहे हैं। वी कैन सी अभी करेंटली एक आध दो और भी बॉलीवुड के प्लेटफॉर्म रिलीजिंग हुई है। एंड कंतारा को लेके मैं ये बोलूँगी, एक बहुत ही ड्रामेटिक सीनरी मूवी है। अगर इसमें इसके अंदर बहुत सारे सस्पेंस है। मैं ये बोलूँगी कि दैट एज अ प्लेटफॉर्म जब लोगों को दिया जाता है और हमारे खुद के स्टेट झारखंड सिटी रांची में प्रोमो होती है एंड सक्सेस पार्टी होती है, तो इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म दैट वी आर गेटिंग। सो दैट आर्टिस्ट जितने भी यहाँ पे हैं सबको एक इन्फ्लुएंस होते हैं, अपने काम को लेकर मोटिवेट होते हैं। आई वुड लाइक टू से दैट ये बहुत ही अच्छा बात है दैट वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू रिलीज दिस काइंड ऑफ कास्ट। बता दें कि फिल्म कंतारा को लेकर एक्टर चेतन अहिंसा ने कुछ ऐसा कह दिया कि उनके खिलाफ अब हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप में शिकायत दर्ज किया जा चुका है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी लगातार दमदार कलेक्शन कर रही है, लेकिन अब फिल्म को लेकर एक बहस चालू हो चुकी है। फिल्म में दिखाई गई एक मान्यता को लेकर लोगों में मतभेद है। इसी बहस के बाद अब कन्नड़ अभिनेता चेतन अहिंसा के खिलाफ हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है।